वेलकम बैक टू माय चैनल वेज क्यूजिन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेज बिरयानी। ये बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमने कुछ ही वेजिटेबल्स के इस्तेमाल की हैं, घर की रखी हुई, तो आप ही आसान तरीके से ये बिरयानी बना सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और हम इन्हें गर्म होने देंगे। अब हम इस पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम कुछ सेकंड के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इस पर कुछ खड़े मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 इलायची, 3 लौंग और 1 दालचीनी और साथ में 1 तेज़पात ऐड कर लेंगे। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन जो मैंने पहले से चॉप्ड करके रखी हुई थी। ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। अब हम इन सारे चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि प्याज गोल्डन हो जाए। तब तक हम इन्हें अच्छे तरीके से चला लेते हैं। अब आप देख ही रहे हैं प्याज पूरी तरीके से हल्की भून चुकी है। इस टाइम पे अब हम इस पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए। अब हम इस पर 1 कप हरी मटर का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो नॉर्मल मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे मीडियम साइज़ की कट करके रखी हुई आलू जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हैं। साथ ही में हम फिर एक मीडियम साइज़ की गाजर का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैंने लंबे शेप में कट कर लिया है। फिर हम इस पर बीन्स का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। हम इस पर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, आप चाहे तो गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें कुछ सेकंड के लिए अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले के संग सारे सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आप देख ही रहे हैं सब्जियां अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। ऐसे मैंने हल्की फ्राई कर ली है। अब हम इस पर 1/2 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। आप दही को डालने से पहले एक बार अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। अब हम दही को अच्छे से सब्जियों के साथ मिला के 7 से 8 मिनट तक हम इन्हें कुक करेंगे। आप इसे चम्मच की मदद से धीरे धीरे चला लीजिएगा इस तरीके से। अब सब्जियां अच्छे तरीके से मसालों के संग भुन चुकी हैं, आप देख ही रहे हैं। अब हम इस पर ऐड करेंगे भिगा के रखी हुई राइस जो पहले से मैंने इसे भिगा ली थी। आप बिरयानी बनाने से पहले चावल को 10 से 20 मिनट तक भिगा लीजिएगा। अब हम इस पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिला लेंगे। अब हम साथ में इसी पे ऐड करेंगे हम धनिया पत्ता। हम धनिया पत्ता को ऊपर से हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब हम इन्हें कवर कर लेंगे, 2 सीटी आने तक हम इन्हें कुक कर लेते हैं। ये आसान सी बिरयानी आप भी ज़रूर बनाइएगा और घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली के संग ज़रूर शेयर कीजिए। अब आप देख ही रहे हैं 2 सीटी पूरी तरीके से अब आ चुकी हैं। चलिए अब हम इन्हें खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, हमने कुछ ही सब्जियों का इस्तेमाल करके कितने अच्छी और खिली खिली स्वादिष्ट बिरयानी हमने तैयार कर लिया है। तो आप भी देरी ना करें और ये आसान सी रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वेज बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के संग, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।